स्टूडेंट आज की वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी सीआरपीएफ कांस्टेबल यूपी पुलिस एसएससी एमटीएस आरआरबी एएलपी आरपीएफ दिल्ली पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गौरी को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को। ये 2019 में आया प्रश्न है। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया। अब इल्तुतमिश की बात करें, मोहम्मद गौरी की बात करें, तो ये 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना, 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना और इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। किसके खिलाफ किया था? तो मुल्तान के खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया था। और दूसरे आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने जो दूसरा आक्रमण है वो 1778 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? पाटन गुजरात में इन्होंने दूसरा आक्रमण किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो एग्ज़ाम में आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में किया था इन्होंने। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था, जिसको आप याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने ही निर्माण कराया था। और अजमेर का एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो क्या चीज़ है, तो आपको याद रखना है ये एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चांद बीबी, नूरजहाँ। ये 2004 और 2010 में आया प्रश्न है। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। इनका जो शासनकाल जो है वो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये चीज़ को आप याद रखेंगे, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब चांद बीबी की बात करें तो चांद बीबी को जो है चांद खातून एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है चांद बीबी को चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब दुर्गावती की बात करें तो इनका जो शासनकाल है दुर्गावती का वो 1550 से लेकर 1564 तक इनका शासनकाल रहा। ये गढ़ा साम्राज्य की शासिका थी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब नूरजहाँ की बात करें तो इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है वो 1570 से 1645 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ये जो थी ये मुगल काल की एक महारानी थी, ये चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, मुगल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुमिस, ऐबक। ये 1993 का क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है इल्तुमिस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। और इनके बचपन का भी नाम पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का जो नाम है आपको याद रखना है अली तथा गुरशास्य इनके बचपन का नाम है। और इनके द्वारा निर्माण कराया गया जो स्थल है वो भी पूछा जाता है, जैसे जमायत, इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो ये लाहौर में इन्होंने बनाई थी। और इनको जो है लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है तो आप इसको भी याद रखेंगे, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और लाखपत का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। अब खिलजी की बात करें तो खिलजी ने गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका जो पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुमिस, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1990 में आया प्रश्न है, तो गुलाम वंश का संस्थापक आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। और इन्होंने जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने ही जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ये चीज़ को आप याद रखेंगे, कुतुब मीनार की नींव और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने ही निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हुई थी, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आपको याद रखना है इनकी जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। और इनको जो है लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि लाहौर में ही इनकी राजधानी थी। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। अब इल्तुमिस की बात करते हैं तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। आराम शाह की हत्या करके इल्तुमिस 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2005 2011 में आया प्रश्न है, 53, 55, 47,
गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर याद हो गया होगा, इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, लाहौर से इन्होंने जो है लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र क्या नाम था उसके पुत्र का? रुनक उद्दीन उसके पुत्र का नाम था। फिर इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है फिरोज गद्दी पर बैठा। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। और बलबन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम आपको याद रखना है गयासुद्दीन बलबन इनका वास्तविक नाम है। और ये जो गयासुद्दीन बलबन है ये इल्तुतमिश का एक गुलाम था। इल्तुतमिश का एक गुलाम था। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये झारखंड पीसीएस 2003 में आया प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं, तो इल्तुतमिश जो है तुर्किस्तान का इटबरी तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के समय ये जो था ये बदायूं का गवर्नर था। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मंदिर है, मीनार है। ये 2015 में आया प्रश्न है। तो ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो आपको याद रखना, वो एक मस्जिद है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पहले वाले या दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद तथा ढाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। ये जो है ये दिल्ली में स्थित है, कुवैत उल इस्लाम दिल्ली में स्थित है और ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। दोनों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शॉर्ट में याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो योगदान किसने नहीं दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ये 2013 में आया प्रश्न है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है नींव डाली थी कुतुब मीनार के लिए, इन्होंने नींव डाली थी। और इल्तुतमिश के काल में ये पूरा होता है। अब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है जो चौथी मंजिल है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल में काफ़ी हानि होती है, जिसके चलते इन्होंने चौथी मंजिल के साथ साथ दो मंजिलों का और निर्माण कराया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी? आपको याद रखना है, इसका आंसर हमने पहले ही बताया था, लाहौर थी। फिर बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली, इसकी राजधानी जो दिल्ली है, इसको वापस लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आईएएस का प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। बिल्कुल गलत। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासन ताजुद्दीन दौला के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल गलत। बुंदेलखंड के किले कलिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल गलत। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 2004 और 2012 में आया प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो पहले तो ये लाहौर में था, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में था, फिर बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया, उसने दिल्ली पे स्थापित कर दिया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अब मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं, ये मौजूद ये कुछ और लिखा है यहाँ पे, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तराइन का युद्ध, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तराइन का युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में होता, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, और कौन जीतता है इसमें, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें कब होता है ये, 1192 यानी अगले साल ही फिर दूसरा युद्ध होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में होता है, और इस युद्ध में जो है गौरी जीत जाता है। अब उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध दो साल बाद होता है, 1194 ईस्वी में, किसके किसके बीच, यहाँ लिख देते हैं, तो चंदावर का युद्ध दो साल बाद होता है, 1194 ईस्वी में, किसके किसके बीच में होता है, गौरी के बीच में होता है, क्योंकि पृथ्वीराज यहाँ पे हार चुका होता है, और जयचंद के बीच में, गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें गौरी फिर से जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद, आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन, ये 2014 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, आगरा, बदायूं, लाहौर, दिल्ली, ये 2016 में आया प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा, ये वाला क्या अधिकतर क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, पहले क्या थी, लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था, किसने दिल्ली स्थानांतरित किया था, पहले कहाँ से स्थानांतरित किया था, लाहौर से स्थानांतरित किया था, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था, जिसको आप याद रखेंगे, तो इल्तुतमिश ने जो है स्थानांतरित किया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ये 2016 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है, अब इल्तुतमिश ने जब स्थापित किया दिल्ली में, तो इल्तुतमिश ही दिल्ली का प्रथम शासक कहलाया, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक में लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, फिर बाद में इन्होंने स्थानांतरित करके दिल्ली ले आए, इल्तुतमिश ने स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया, और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक यही बन गए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।